आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. टॉपिक इज 3.2 सिल्क. बच्चों, अभी एनिमल फाइबर की बात चल रही है तो हमने एनिमल्स का यूज़ किया ऊल आदि के रूप में. अब सिल्क वॉर्म के बारे में बात करेंगे. बच्चों, एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके थ्रू हम वूल प्राप्त कर सकते हैं. अब क्या है कि हम जानते हैं कि सेरीकल्चर क्या है. सबसे पहले हमें इस टॉपिक में ये समझना चाहिए कि व्हाट इज सेरीकल्चर. द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. इसका मतलब समझे कि सिल्क वॉर्म को का लालन पालन करना, उसकी देखरेख करना, उसे बीमारियों से उनकी रक्षा करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, अर्थात रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म का पालन करना किस लिए? सिल्क ऑब्टेनिंग करने के लिए इज कॉल्ड सेरीकल्चर. बच्चों, सेरीकल्चर काफी जरूरी है. अब लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ यानी कि जो सिल्क कीट है, सिल्क मॉथ का मतलब सिल्क कीट, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, किस तरह से वो शुरू से लेके आखिर तक अपनी लाइफ में जाता है. देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे. तो देखो बच्चों, दिस इज द मॉथ ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी कि इसमें ये मेल सिल्क वॉर्म, ये फीमेल सिल्क वॉर्म है जिन्हें मॉथ कहा जाता है. अब देखिए, ये सिल्क वॉर्म मादा मेल है और ये फीमेल है. अब बच्चों, फीमेल से हमें एग प्राप्त होते हैं. वी ऑब्टेन एग फ्रॉम फीमेल. लगभग एक ही बार में हमें अबाउट हंड्रेड्स एग प्राप्त हो जाते हैं. इन एग्स को हम किसी पेपर पर या किसी लीफ पर रख सकते हैं. इसके बाद बच्चों, एक प्रॉपर टेम्परेचर के थ्रू, ह्यूमिडिटी के थ्रू है, इनसे एक लार्वा प्राप्त होता है, है, और जिसे हम एक तरह से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म के नाम से भी जानते हैं. सिल्क वॉर्म बच्चों मलबेरी लीव को खाता है, अर्थात सैतूत वृक्ष है. बच्चों, यदि आप जानते हो, गांव गए हो, तो आपको मलबेरी लीव सैतूत के वृक्ष से मिल जाएंगे. और ये किसका फूड है? सिल्क वॉर्म का. तो ये कैटरपिलर यानी सिल्क वॉर्म 25-30 दिन तक काफी खा करके अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, खूब डेवलप्ड हो जाता है. इसके बाद ये अपने ऊपर हेड के थ्रू एक तरह से प्रोटीन युक्त एक तरह से सीक्रेशन करता है, और ये सीक्रेशन अपने चारों तरफ लपेट लेता है अपने को, यानी कि एक तरह से जैसे हम प्यूपा कहते हैं. ये सिल्क वॉर्म किसने चेंज हुआ? प्यूपा स्टेज. और इसने सीक्रेशन के थ्रू अपने हेड से सीक्रेशन करके एक अपने ऊपर रेशा में कवर्ड कर लिया, और इस अवस्था को कोकून कहते हैं. कोकून हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये स्टेज और एक ये स्टेज. बच्चों, कोकून जो है पाद में, उसके अंदर मोथ डेवलप हो जाता है. क्या? रेशम की डेवलप होने लगता है यदि हम इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें. तो आपने क्या देखा? सबसे पहले एग प्राप्त हुआ फीमेल से. फीमेल सिल्क वॉर्म से क्या प्राप्त हुआ? एग. और एग से एग किस में कन्वर्ट करा? हैचिंग के पश्चात प्रॉपर टेम्परेचर के साथ लार्वा में, जिसे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म के नाम से जानते हैं. और ये किस में चेंज हुआ बच्चों? प्यूपा स्टेज में. और प्यूपा किस में कन्वर्ट हुई? कोकून में. कोकून इस स्टेज के बाद इसके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? मोथ. तो ये रहा एग, लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से मोथ बना. तो सबसे पहले मेल फीमेल दोनों होते हैं इसमें,
और यूनिसेक्चुअल होते हैं ये लोग। और इसके बाद ये फीमेल से एक बार में 100 एग के आसपास प्राप्त हुए, और एग प्रॉपर टेम्परेचर हैचिंग के पश्चात सिल्क वॉर्म में लार्वा में कन्वर्ट हो गया। ये इसके पश्चात ये प्यूपा स्टेज में चेंज हुआ, जो एक तरह से एक अंग्रेजी के 8, इंग्लिश में जैसे हम संख्या 8 लिखते हैं उसके आकार की संख्या बना लेता है। और इसके बाद ये अपने सिर के साथ एक सीक्रेशन पैदा करता है जो एक तरह से सूरज वगैरह धूप आदि में एक तरह सूख करके ये फाइबर अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें फाइबर ही प्राप्त होते हैं इससे। तो ये वाली स्टेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यील्ड ऑफ द सिल्क कही जाएगी जो कॉकून है। जितने ज़्यादा कॉकून होंगे उतनी हमारी यील्ड ज़्यादा होगी सिल्क वॉर्म के रूप में, सॉरी सिल्क के रूप में। और इसी के बाद बच्चों यदि हम इसको डिस्टर्ब ना करें तो इसके अंदर मोथ डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है, ये इंसेक्ट डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। और बच्चों अब आपको मैंने बताया, अब टाइप ऑफ सिल्क के बारे में बताएं, जैसे टसर सिल्क है यानी कि अलग अलग टाइप के रेशम कीट होते हैं जैसे टसर सिल्क और मोगा सिल्क और कोसा सिल्क आदि सिल्क प्राप्त होते हैं, यानी कि वेराइटी वाइज ये सिल्क हमको प्राप्त होते हैं। तो आपने चित्र समझा होगा कि भाई कैसे कैसे यानी फीमेल से एग प्राप्त हुए, एग किस्म कन्वर्ट हो गए सिल्क वॉर्म में यानी लार्वा स्टेज कहते हैं इसको, सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सिल्क वॉर्म जो है मलबेरी लीफ को खाता है अपने फूड के रूप में और प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक तरह से अपने ऊपर एक फाइबर सिक्रीशन करती हैं, है प्रोटीन का बना हुआ, जो ये पूरी स्ट्रक्चर समय एट अक्ष एट जैसे बनाते हैं, यानी इस तरह से एट जो बनाते हैं उस संख्या के तरीके से दिखाई देती है। और ये जब ये रेशे अपने ऊपर लपेट लेता है प्यूपा स्टेज में तो इसको हम कोकुन कहते हैं। कोकुन से ही हम सिल्क प्राप्त करते हैं बच्चों, और यदि इसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो इसके अंदर मोथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, कोकुन विद डेवलपिंग मोथ। समझे नहीं, ये क्या है इसकी जो है पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ है बच्चों। इस तरह से जनरली ये जो काम किया जाता है बच्चों, एक तरह से हम आप जानते ही हैं, ये तो नेचुरली बताया कि जो एग्स हैं उनको फार्मर को भेज दिए जाते हैं, हैं उनको खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, फिर उनको वो आर्टिफिशियल ट्रे जिसमें मलबेरी लीव हो उसमें रख देते हैं बच्चों। उस समय 25-30 दिन तक ये खूब खाना पीना, खूब मलबेरी लीव्स को क्योंकि इनका प्रिय भोजन होता है, और खूब खाते हैं, खूब अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, और बाद में ये प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट होकर के फिर खाते नहीं हैं बच्चों, इसके बाद ईटिंग जो है वो स्टॉप कर देते हैं और कोकून स्टेज बना लेते हैं। इस कोकून स्टेज में ही इन कोकून को हम ड्राई अप कर लेते हैं या तो स्टीम भाप वगैरह से या सन में ड्राई कर लेते हैं आदि। तो इससे क्या होता है, इनके जो फाइबर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उस पर हम एक तरह से फाइबर प्राप्त कर लेते हैं, सिल्क फाइबर इससे प्राप्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेज यदि हम एक तरह से नहीं करते, ये हमारे काम की नहीं है, समझे नहीं। और ये दो मेन स्टेज हैं सिल्क वॉर्म और कोकून, ये एक तरह से सिल्क यील्डिंग के लिए। तो ये रहा बच्चों ना बच्चों, ये तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ आपको डायग्राम के थ्रू मैंने समझाई। अब देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में, कैटरपिलर जिसको सिल्क वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स लगभग 100 एग्स, यानी कि जो फीमेल सिल्क होती है वो 100 अंडे तक दे सकती है, समझे नहीं। विच हैच, जिन्हें हैचिंग करने के पश्चात, हैचिंग क्या होता है, प्रॉपर टेम्परेचर और मॉइस्चर दे करके अंडे को और विकसित कर लिया जाता है उसके अंदर, और ये एक तरह से लार्वा स्टेज कहा जाती है लार्वा इस कॉल्ड जो है एक तरह से प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। अब प्यूपा क्या है, इट श्रिंक्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड फ्रॉम फिगर 8, अर्थात क्या है
कि जो ये इस स्टेज में आने के पश्चात ये एक तरह से अपनी हेड से एक सीक्रेशन पैदा करके और जो है एक अक्षर जैसी, एट अक्षर जैसी संरचना बनाता है। और बच्चों, इट सीक्रेट द फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। और ये फाइबर किसके बने होते हैं? एट अक्षर, सॉरी, प्रोटीन के। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। और इस कवरिंग का क्या नाम है? कोकून। ठीक है। अब बच्चों, मोथ एक क्या है? इंसेक्ट। इसके अंदर डेवलप हो जाता है यदि हम प्यूपा या कोकून स्टेज को डिस्टर्ब नहीं करते। मलवेरी सिल्क मोथ, इंडिया में पाए जाने वाली एक जो है ये विशाल, क्योंकि इसका एक प्रिय भोजन होता है मलबेरी, सैतूत, और इसका इसी के नाम पर क्या नाम रख दिया गया? मलवेरी सिल्क मोथ। समझे नहीं? अच्छा, अब बच्चों ये हमारे भारतवर्ष में ये कोई नया ऑक्यूपेशन नहीं है, अभी शुरू हुआ हुआ ऑक्यूपेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है, बहुत पुराना ऑक्यूपेशंस है इन इंडिया में। काफ़ी समय से हम जो है सिल्क ऑब्टेन करते हैं सिल्क वर्म से। इसकी डिफरेंट टेक्सचर्स होती हैं बच्चों, अलग अलग संरचनाएं होती हैं, जैसे कोर्स, स्मूथ, शाइनी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कोर्स का मतलब मोटे मोटे रेशे भी प्राप्त होते हैं, फाइबर्स प्राप्त होते हैं, स्मूथ भी प्राप्त होते हैं, चिकने यानी कि शाइनिंग, बहुत चमकीले वाले प्राप्त होते हैं। इस तरह से अलग अलग इनकी टेक्सचर होती है बच्चों। अब जब हमारे लिए इतना यूज़ का है तो हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म करते हैं, अर्थात इसका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि नेचर का तो पता लग ही गया हमें किस किस स्टेज से गुजरता है, उसी के आधार पर हम इसका एक तरह से रेयरिंग करते हैं। समझे नहीं? कीपिंग करते हैं इसको, है इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो एक सिल्क वर्म का पालन पोषण करना रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म कहलाता है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग सिल्क। प्रोसेसिंग सिल्क यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं? पाइल ऑफ द कोकून। क्योंकि मैंने बताया था कोकून जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कोकून, एक मिनट, डबल, हाँ, कोकून जो है ए पाइल ऑफ द कोकून इज कैप्ट अंडर द सन। इसको धूप में रखा जाता है या बॉइल्ड किया जाता है, उबाला जाता है, जिससे इसके अंदर मौत जो होता है कीट जो होता है मर जाता है। एक्सपोज टू स्टीम या उन पर भाप पानी की गुजारी जाती है, पास की जाती है। अब इससे क्या है? इसके फाइबर बच्चों सेपरेट हो जाएंगे, द फाइबर आर सेपरेट आउट। इससे धूप में सुखाने से या उबालने से या उन पर स्टीम पास करने से उनके फाइबर सेपरेट हो जाते हैं बच्चों। अब इन फाइबर को सेपरेट करने के उपरांत हम देखते हैं रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क क्या है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून। कोकून से थ्रेड बनाने की प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। समझे? तो रीलिंग करने के बाद फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज द सिल्क, है यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग। यानी कि सिल्क को यूज करने के लिए एक तरह से बच्चों उससे क्या थ्रेड प्राप्त करना क्या कहलाता है? रीलिंग ऑफ द सिल्क। और ये मशीन के थ्रू भी किया जाने लगा है बच्चों। अब सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन। अब सिल्क फाइबर तो हमें प्राप्त हुए, द सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। इनसे क्या बनाया जाता है? फाइबर से धागा। थ्रेड का मतलब यार्न। ठीक है, यार्न बनाया जाता है, थ्रेड कहते हैं जिसको। और इस थ्रेड को वीवर्स के थ्रू जो जो बुनाई करने वाले होते हैं उनसे वो क्या करते हैं? सिल्क यानी थ्रेड से सिल्क क्लोथ बना लेते हैं। तो ये रहा बच्चों, एक सिल्क भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लोथ बनाने के लिए। इसके लिए हम सिल्क वर्म का एक तरह से पालन पोषण करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई विल स्टार्ट अगेन क्वेश्चन आंसर।